हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर चार्ट्स पे आते हैं। तो मार्केट कैप आज देखेंगे, तो मार्केट कैप आज एक स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी का मेन बिजनेस देखेंगे तो सोलर पावर जनरेशन में है। यहाँ पे लिखा है कंपनी इज इन बिजनेस ऑफ सोलर पावर जनरेशन, और डिटेल में जानना है तो कंपनी की वेबसाइट की लिंक दी हुई है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी नंबर्स के वाइज बात करेंगे तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही अच्छी हैं, प्रमोटर्स होल्डिंग अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है और मार्जिन भी अच्छी है। तो यहाँ पे ओवरऑल डेटा देखेंगे तो कंपनी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस है और एक अपट्रेंडिंग बिजनेस भी होगा इनका। तो यहाँ देखेंगे इसको कन्फर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि 40.7 CAGR से कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट देखेंगे तो वो 5 साल की 40.7% की है, मतलब एक अच्छा नंबर है। यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने होल्डिंग को प्लेस किया हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ और यहाँ पे जो देखने वाली होगी वो डेट और रिजर्व्स की है कि डेट इनके ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा है रिजर्व से, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है। और यहाँ देखेंगे तो सेल्स से इंटैक्ट है कंपनी के, सेल्स यहाँ पे एक इंक्रीजिंग अपट्रेंड के अंदर देखेंगे, क्वार्टरली की बात कर रहे हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना एक्सपेक्टेड था, मार्केट जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम है, इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल भी देखने को मिला है। मार्जिन हालांकि स्टेबल है अभी फिलहाल के लिए और नहीं गिरी है, बट पूरा पिछले समय से देखेंगे 2021 की बात करेंगे तो वहाँ से कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी मतलब ईयरली देखेंगे तो वहाँ पे भी एक क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मार्जिन कंपनी की थोड़ी बहुत हिट हुई हैं, और बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे इंक्रीमेंट ही आया है क्योंकि सेल्स कंपनी के अच्छे खासे नंबर से बढ़ रही है लगातार। सीधे आते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बड़ी है, एक ग्रीन फ्लैग हमारे लिए। FIs की होल्डिंग कुछ खास चेंज नहीं आया, नहीं DIs की होल्डिंग में कुछ खास चेंज आया। 2019 में DIs थे फिर वहाँ से एग्जिट कर गए। यहाँ पे देखेंगे चार्ट्स पे, तो चार्ट्स पे एक डाउनफॉल है फिलहाल, कोई शक नहीं है। अगर ये गैप फिल नहीं होता है तो फिर से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रेंथ है कंपनी के अंदर। अगर यहाँ से मतलब इन लेवल्स पे तो बाइंग करने का कुछ खास सेंस बनता नहीं है, बट इन लेवल्स के ऊपर अगर हम लोग पाते हैं तो इन लेवल्स के ऊपर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। और सिंपल अगर अभी बाय करना है, अगर मतलब थोड़ा सा आते हो कि स्टॉप लॉस छोटा हो, तो सिंपल अगर कल यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है तो वहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे इन लेवल्स के नीचे। हालांकि ये एंट्री गलत होगी, गलत किस हिसाब से होगी, क्योंकि हम यहाँ पे कैश नहीं कर सकते, ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, ना कोई फोर्सी कर सकता है कि यहाँ कब तक स्टॉक कंसोलिडेट करेगा इस लेवल में, ये कोई नहीं बता सकता। तो ये हम लोग के लिए थोड़ा सा टाइम का कह सकते हैं कि वेस्ट होगा, कहीं और हम लोग पैसा लगा सकते हैं इसी टाइम में कुछ रिटर्न कमा सकते हैं, तो इसलिए इस यहाँ पे इन लेवल्स के बीच में हमसे पूछोगे तो पैसा नहीं लगाएंगे। अगर हमको यहाँ पे खरीदना है तो हम लोग बाइंग करेंगे इन लेवल्स के ऊपर, कि इस लेवल के ऊपर हम लोग को मिलेगा थोड़े से फास्ट मोमेंटम, और क्योंकि कंपनी के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, अभी भी गैप फिल नहीं किया है, तो ये और लेवल्स अगर फिल नहीं करता है, इसके बाद अगर ब्रेकआउट हम लोग को 2-3 दिन में मिल जाता है तो वेल एंड गुड, तुरंत बाय करेंगे। कम से कम 20-30% का टारगेट लेंगे क्योंकि स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप के अंदर वॉल्यूम कम होती है, वॉल्यूम कम होने की वजह से मार्केट डायरेक्शनल मोमेंटम ज़्यादा देती है। और एक चीज़ और जो यहाँ पहले से बाय करके रखा है, उन लोगों को सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अगर इसके नीचे मार्केट कंटिन्यू कर सकती है तो डाउन साइड हम लोग इन लेवल्स तक का देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करेंगे जो भी करना होगा, देखते हैं फिर आगे। इसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस, इसके नीचे मतलब ज़्यादा मत ले जाना, क्योंकि अगर इसके नीचे निकलता है तो कंपनी के अंदर कुछ ज़्यादा खास रेजिस्टेंस बचते नहीं है, फिर कंपनी थोड़ा ज़्यादा हम लोग डाउनफॉल देखेंगे 200 EMA के बाद। अगर नीचे आती है तो 200 EMA के बाद थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर हो सकता है हम लोग के लिए, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकती है डाउन साइड, तो उसके बाद कितना नीचे जाएगी कोई नहीं बता सकता वहाँ से कंपनी को। तो अभी फिलहाल यहाँ पे स्टॉप लॉस देते हैं, ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी अच्छे खासा ज़्यादा डाउनफॉल भी नहीं हुआ और अच्छा खासा एक क्लियर सिग्नल दे रही है कि इसके नीचे जाएगी तो एक बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो इसी के साथ चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना और अपना कैपिटल सेव रखना। तब तक के लिए बाय।